हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ तो बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ क्या है, आपको हर एक जगह बारिश हो रहा है। बिहार में हर एक जगह, कोलकाता में, ये हर जगह ही बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा लग रहा है। और अररिया में तो ऐसा बारिश रह गया ना, अगर मतलब कंटिन्यू हो अररिया में तो बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इतना तेज का बारिश है, हवा है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा। हम लोग को ब्लैंकेट निकालना पड़ रहा है ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, कि मतलब ब्लैंकेट इतना नेसेसरी हो गया था। इतना रात में ठंड लग रहा था, ज़्यादा ठंड आ ही चुका है, तो इससे हम लोग को ब्लैंकेट निकालना पड़ गया। और अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मतलब इतना बरसात हो रहा है, इतना बरसात, रात भर बरसात हो रहा है। मतलब 10-15 दिन से तो ऐसा बरसात कर रहा है ना, पता नहीं। आप हर जगह बरसात से आदमी हर बहुत परेशान है। एक दो दिन बारिश होता है तो आदमी परेशान हो जाता है। और ये इतने दिन से बारिश हो रहा है, मतलब दुर्गा पूजा तो इस वक्त माता रानी मतलब क्या करेंगी पता ही नहीं है। तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। सो अब तो मतलब जो आजकल स्थापना करने वाले होंगे वो आजकल स्थापना करेंगे। आज से फास्टिंग स्टार्ट होगा नवरात्रा का। तो देखिए, इतना बारिश में फास्टिंग करने वालों को तो बहुत अच्छा है, कि मतलब 9 दिन जो फास्टिंग करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं फास्टिंग कर नहीं गई। शादी से पहले नवरात्रा करते थे हम, बस शादी के बाद मेरे ससुराल में नवरात्रा का फास्टिंग नहीं होता है, बस ऐसी पूजा पाठ होता है। तो बस वही चलेगा, पूजा पाठ ही चलेगा। और जैसा कि आप लोगों को बता ही चुकी हूँ मैं, कि पाँच या छः को समथिंग मैं अपने ससुराल जाऊँगी। तो वहाँ का अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पिछली बार जब मैं ससुराल का ब्लॉग शेयर की थी तो मैं ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाई थी। तो इसकी वजह से मैं आपको आपके साथ कुछ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई थी, बहुत पूरा सा शेयर की थी। तो इस बार मुझे ससुराल में 2-3 दिन रहना है। तो मतलब 2-3 दिन क्या, 4-5 दिन भी हो सकता है, क्योंकि छुट्टी होगा। इतने बारिश का मौसम है, कोई काम मतलब यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो छुट्टी ही रहेगा हम लोग का। तो फिर जाएंगे। चलिए, मैं अभी तो लाइट कट गया है, पूरा लाइट कट चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा बैक कैमरे से। है ना, कितना अच्छा सा मौसम लग रहा है। ये देखिए पानी, मतलब बारिश इतना हो रहा है ना। बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बट इतना ज़्यादा दिन बारिश हो तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना कुछ काम था। ससुराल जाने से पहले थोड़ा शॉपिंग करना था, एक दिन ही शॉपिंग की, अभी बहुत कुछ बाकी था, वो सब कर नहीं पा रही हूँ। और वहाँ भी ससुराल मेरे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरा रोज़, देख रहे हैं आप, आपको 2 रोज़ नज़र आ रहा है रेड कलर का। और ये क्रिसमस ट्री है, देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे रोज़ है। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको रोज़ को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो मेरा रोज़ है ना, प्यारा लग रहा है ना रोज़। रोज़ किसको नहीं अच्छा लगता है, रोज़ ऐसा फ्लावर है रोज़ की, हर किसी को अच्छा लगता है। और ये 2 रोज़ देखिए, एक ये और एक ये, अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए मेरा क्रिसमस ट्री, और इधर बाकी का फ्लावर है, बट ये भी हो नहीं रहा है। और ये बाबू का बॉल देखिए भीग रहा है बेचारा बॉल। सो आप लोग इधर भी आई हो, बारिश हो रहा होगा गाइस। अभी देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ, इतना बारिश पूरा। चलो वहाँ देखिए हमारा गाड़ी कैंपर। और ये देखिए हमारा तो इन्वर्टर का तार ही टूट गया, इतना बारिश में। देख लीजिए कितना बारिश हो रहा है, मेरा फ़ोन भीग जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सुबह सुबह का चाय बन रहा है, और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा चाय का वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, मैं सुबह सुबह चाय बना रही हूँ, फिर चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद, उसके बाद ही मतलब मैं कुछ काम करूँगी। यहाँ देखिए बाबू कितना खेल रहा है, बाबू का मन है बाहर जाना, बारिश हो रहा है, जाने नहीं दूँगी। देखिए बेटू,
हाथ में क्या लिया है? लाओ ये लाओ, ये डब्बा का ढक्कन कहाँ से ले लिया? बाबू नहीं, नीचे मत जा रख, बाबू नीचे मत जाओ, प्लीज नीचे मत जाओ बेटा, बेटा नीचे मत जाओ, खड़ा हो, नहीं नीचे नहीं जाना है। बेटा इधर इधर देखिए, आप सो के उठ गए? बेटा इधर देखिए पहले। मतलब सुबह का जो पंचवटी का पूजा है तो वो स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे लाइट मेरा नहीं जल रहा है, ट्यून लाइट इस वजह से नहीं जल रहा है क्योंकि थोड़ा मतलब तार के कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से लाइट नहीं जल रहा है। बट जो भी पूजा का व्लॉग है मैं आपको सजेस्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए, मतलब पूजा हो रहा है। आई मीन ये फर्स्ट नवरात्रि का व्लॉग है, ये संडे का व्लॉग है, संडे का वीडियो मैं बनाई थी लेकिन ये आज आप लोग को पोस्ट होगा, मंडे के दिन ये पोस्ट मैं करूँगी। देख लीजिए ये फर्स्ट नवरात्रि, आप लोग को भी मतलब नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रावण जी पूजा कर रहे हैं, बड़ा मन से पूजा करते हैं मेरे हस्बैंड। इसको बाबू को देख लीजिए, इतना परेशान कर रहा था ना, मेरे को टीका वाला इसको ऊपर बैठा दे इतना, और घर में तो पूरा कपड़ा कपड़ा फैला हुआ है, इतना तेज बारिश, एक सेकंड भी संडे के दिन तो एक सेकंड भी बारिश छूटा नहीं, तो बारिश छूटा नहीं तो इसके वजह से मतलब घर में ही सारा कपड़ा इस रूम उस रूम करके पूरा कपड़ा फैला हुआ था। ये देखिए, और फिर ये जो पूजा अभी जो आप देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आप थोड़ा सा मतलब क्लोज करके आप लोगों को फोटो दिखा रही थी, राहुल जी पूजा कर चुके थे तो वो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगी, अब मैं आपको आरती भी दिखाऊँगी। अभी आज नहीं बदला है, सब नहीं बदला है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मैं अभी तो बारिश छूटा नहीं है, बारिश तो कंटिन्यू हो रहा है, तो अभी शाम का 4:24 हो रहा है, 4:24 हो रहा है अभी, और अभी भी बारिश सेम वैसे ही हो रहा था जैसे कि मैंने आपको सुबह के ब्लॉग में दिखाया था, सेम वही सिचुएशन, कुछ भी बदला नहीं है। मतलब तो मैं थोड़ा ऐसे सो गई थी, मतलब नींद से नहीं सोई थी बट हल्का सा ऐसे सो गई थी, बाबू भी सो गया था और राहुल जी का भी कोई ऑफिस ऑफिस तो कुछ काम नहीं था मतलब बताई थी। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ हलवा, तो मैं सोची कुछ खाने के लिए भी बनाते, इतना बाहर का मौसम बेकार है ना कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बाहर का मौसम ख़राब है। और अभी तक काम करने वाली भी सुबह में भी नहीं आई है रंजना, और अभी भी नहीं आई है, और अभी तो फ़ोन की थी, अब देखिए आती है कि नहीं आती। मैं उसके ऊपर एक्चुअली रेस्ट राइज भी नहीं कर सकती आने के लिए ना, क्योंकि इतना तेज़ बारिश है ना तो आप किसी को कह नहीं सकते भी आने के लिए। सो मैं अभी बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं, और इसके साथ में छानूंगी पापड़, और फिर हम लोग खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा हलवा रेडी हो चुका है, और मतलब थोड़ा सा इसको और मैं सुखाऊंगी हलवा को, और मेरा हलवा रेडी हो चुका है। अब मैं एक साइड पे पापड़ छान लेती हूँ, और फिर पापड़ छानने के बाद में ये देखिए मेरा हलवा पापड़ रेडी हो चुका है। अब मैं लेके जा रही हूँ, मैं राहुल जी और बाबू ये तीनों आदमी अभी नाश्ता करेंगे, और हलवा का रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं की हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँ, बस घी में फ्राई की हूँ, चीनी डाली हूँ, बस यही, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली हूँ, बस ऐसी बनाई हूँ फटाफट। और अब शाम की पूजा सब खाने के बाद हम इस दिन मद माती अम्बे गौरी बैठिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है, शाम का पूजा, ये नवरात्रि का फर्स्ट डे शाम का पूजा, और मेरा
लाइट का जो वो कनेक्शन का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो चुका है, तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अब मैं जाऊँगी डिनर बना रहे हैं, और डिनर में मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा और ये बैंगन आलू टमाटर का भरता और सलाद। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसका रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की हूँ सत्तू का पराठा, क्योंकि सबको आता है। ओके गाइस, बाय बाय।